इंदौर के रविंद्रनाथ टिग्रह में होगी नोटों की बारिश। मायावी कारनामों से इंदौर वासियों को चौंकाएंगे विश्व के सबसे युवा जादूगर प्रिंस वीडी बैरागी। करीब 2 घंटे तक होने वाले मैजिक शो में एक से बढ़कर एक अद्भुत कलाकारी देखने को मिलेगी। जादूगर प्रिंस ने प्रेस वार्ता कर इंदौर में आज बताया। मध्य प्रदेश के शाजापुर के रहने वाले जादूगर प्रिंस ने RNT मार्ग स्थित निजी होटल में प्रेस वार्ता कर बताया कि उनका ननिहाल इंदौर में ही है और वह इस शहर में काफी परिचित भी है। देश के विभिन्न शहरों में 180 से ज्यादा शो कर चुके यंग मैजिशियन जादूगर प्रिंस बेटी बचाओ पर्यावरण बचाओ और साथ ही में जल संरक्षण स्वच्छता सहित कई सकारात्मक संदेश देने के साथ ही दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर करने वाले हैरतअंगेज कारनामे शहर के रविंद्रनाथ टिग्रह में दिखा रहे हैं। जादूगर प्रिंस 25 वर्ष के हैं और वह 13 साल की उम्र से ही मैजिक शो कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि आजकल बच्चे स्मार्टफोन की दुनिया में खो चुके हैं जिससे वह वास्तविक दुनिया की खुशियों से दूर हो रहे हैं। ऐसे बच्चों का बचपन वापस लौटाने के उद्देश्य के साथ ही जादू केशव काफी कारगर साबित हो रहे हैं। साथ ही में आधुनिक चकाचौंध हाईफाई म्यूजिक के जरिए मायावी संसार दिखाने की कोशिश उनके शो में की जा रही है। जादूगर प्रिंस ने बताया है कि इंदौर में हो रहे शो में वह लड़की को नागिन बनाने, नोटों की बारिश करने, पानी में रहकर स्वयं को मौत से चुनौती देने जैसे कारनामे दिखाएंगे। यह सभी प्रदर्शन खुली आंखों में स्वप्न देखने जैसा प्रतीत होता है। जादूगर प्रिंस की माने तो रविंद्रनाथ टिग्रह में होने वाले शो के दाम भी काफी कम रखे गए हैं। वहीं पूरा फैमिली मनोरंजन शहरवासियों को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैम आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका एक ही आंसर है कि मैजिक को हम लोगों ने काफी हाइप दी है। जो टेक्नोलॉजी आज से सालों पहले चली आ रही थी उसको हम लोगों ने काफी हाइप लाइट में, साउंड में, कर्टन्स में और बात की जाए इल्यूजन में, तो हम लोग ऐसे कुछ नए नए इफेक्ट लेकर के आए। अभी एलियन का इफेक्ट हम लोग दिखा रहे हैं, वो भी मैंने इसलिए बनाया है कि जर्मनी में एक मैजिक कॉम्पिटिशन है, उसी के लिए मैंने कोरोना में घर बैठे बैठे एक माइंड लगा के बहुत अच्छा इफेक्ट बनाया है जो कि बच्चों को एक अट्रैक्शन का केंद्र भी है कि हम लोग स्टेज पर एलियन दिखा रहे हैं, नोटों की बारिश दिखा रहे हैं, गोरेला दिखा रहे हैं, काफ़ी कुछ जानवर भी दिखा रहे हैं, नागिन से हम लोग लड़की बना देते हैं, लड़की को काट देते हैं, काफ़ी कुछ मतलब बच्चों को और पब्लिक को रुझाने के लिए हमने काफ़ी कुछ नए आइटम बनाए। अब केवल उद्देश्य उसका यही है कि अधिक से अधिक लोग आए और उससे जुड़े। इंदौर के अलावा कहाँ कहाँ? मैम एक्चुअल में मेरा शो इंडिया के 10 स्टेट में हो चुका है, 189 शहर में कर चुका हूँ, 190 शहर मेरा इंदौर है और आउट ऑफ इंडिया की बात करें मलाया, सिंगापुर, नेपाल में मेरा शो हो चुका है। मैम कनेक्ट करने के लिए बस यही है कि एक मीडिया का सहारा है हमें, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बाकी सोशल मीडिया, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पब्लिसिटी लोगों तक पहुँचे और लोग हमसे कनेक्ट होंगे तो हम लोग उनको 2 घंटे के लिए तो कम से कम उनकी टेंशन भरी लाइफ से बाहर निकाल पाएंगे। सर आप लोगों को मैजिक शो को लेकर क्या मैसेज?